ऐतिहासिक जीत के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई भारत। विराट कोहली के कदमों में गिरे घमंडी शोएब अख्तर। सचिन सहवाग ने भी कोहली को किया सलाम। सूर्या के रन आउट होते ही रोने लगे थे विराट कोहली। केएल राहुल से भी हुई थी बहस। जडेजा के साथ मिलकर बनाया था शतक का प्लान। मैच के बाद रोहित के एक इंटरव्यू से ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के छूटे पसीने। सेमी कोहली के सम्मान में झुके मोदी, योगी और केजरीवाल। विश्व कप इतिहास के सबसे घातक मैच में विराट कोहली एक बार फिर से चट्टान बनकर खड़े हो गए थे। 20 साल से लगते आए कलंक को मिटाने के लिए विराट कोहली वन मैन आर्मी की तरह न्यूजीलैंड वालों की खटिया खड़ी कर दिए थे। 140 करोड़ हिंदुस्तानी विराट की कातिलाना बल्लेबाजी देखने के बाद अभी से दिवाली मनाना चालू कर दिए थे। और क्रिकेट की 22 गज की पट्टी पर किंग कोहली सेमीफाइनल में मिली शर्मनाक हार का बदला लेने के लिए कीवियों को दिवालापन बना रहे थे। दिवाली से पहले ही पूरे हिंदुस्तान में आतिशबाजी शुरू हो चुकी थी। मुंबई से लेकर दिल्ली हर जगह पटाखे फूटने चालू हो गए थे। ड्रेसिंग रूम में बैठे केन मामा न्यूजीलैंड की बर्बादी देखते रह गए। सचिन से लेकर सहवाग हर कोई कोहली के शतक के लिए भगवान से दुआएं करने लगा था। अपनी जिंदगी में विश्व कप का पहला मैच खेल रहे सूर्यकुमार यादव के रन आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान में ही भावुक हो गए थे। कोहली के साथ साथ पूरा धर्मशाला स्टेडियम भी इमोशनल हो गया था। सूर्या के आउट होने से पहले केएल राहुल के साथ भी कोहली थोड़ा सा बहस करते हुए दिखाई दिए थे। दोस्तों दरअसल बात यह है कि केएल राहुल ने एक शॉट खेला था जिस पर वो रन नहीं लेना चाहते थे, मगर विराट कोहली जबरदस्ती एक रन के लिए दौड़ पड़ते हैं। उसके अगली ही गेंद पर विराट कोहली ने एक शॉट खेला था जिस पर एक रन साफ साफ था, मगर केएल राहुल रन लेने से मना कर दिए थे, जिस पर कोहली केएल राहुल से नाराज होते हुए दिखाई दिए थे। विराट कोहली टीम इंडिया को मैच जिताने के लिए और अपना शतक पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान की बाजी लगा देते हैं। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लाथम ने विराट अपना शतक पूरा न कर पाए इसके लिए कोहली के खिलाफ पूरा मायाजाल बिछा दिया था। विराट इस ऐतिहासिक मैच में शतक तो नहीं बना पाए, मगर विराट कोहली की 95 रनों की पारी किसी शतक से कम नहीं था। हिंदुस्तान 20 सालों बाद इतिहास रच चुका था। पूरे देश में दिवाली से पहले ही आतिशबाजी शुरू हो चुकी थी। न्यूजीलैंड को टीम इंडिया बर्बाद कर चुकी थी। पूरे हिंदुस्तान में जीत का जश्न मनाना चालू हो गया था। क्रिकेट के भगवान भी कोहली को सलामी देने लगे थे। वहीं पर सहवाग से लेकर गावस्कर भी कोहली की तारीफ किए जा रहे थे। टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत के बाद घमंडी शोएब अख्तर भी विराट कोहली को सलामी देने लगे थे। शोएब अख्तर विराट को प्रेशर वाले मैच का सबसे बड़ा खिलाड़ी बताने लगे थे। मोदी से लेकर योगी, योगी से लेकर केजरीवाल, केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी, बड़े बड़े नेता राजनेता कोहली के सम्मान में झुक गए थे। हर कोई हिंदुस्तान को जीत की बधाई देने लगा था। न्यूजीलैंड को हराने के बाद हिंदुस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता अब पूरी तरह से क्लियर हो गया। हिंदुस्तान को अब सेमीफाइनल में पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हिंदुस्तान 5 मैचों में 5 जीत के साथ नंबर 1 पर बनी हुई है। ऐतिहासिक मैच जीतने के बाद रोहित शर्मा के कौन से एक इंटरव्यू से ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के पसीने छूट गए, जानिए हमारी इस रिपोर्ट में। रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमने टूर्नामेंट की अच्छी शुरुआत की है, आधा काम हो चुका है, संतुलित रहना जरूरी है, बहुत आगे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वर्तमान में रहकर जरूरी है। सेमी ने इस मौके को दोनों हाथों से निभाया है, उनके पास इन परिस्थितियों का अनुभव है और वह एक क्लास गेंदबाज है। एक समय हमें ऐसा लग रहा था कि हमें 300 का लक्ष्य चेज करना पड़ा, हालांकि अंतिम के ओवरों में हमारे गेंदबाजों ने जबरदस्त गेंदबाजी की और यह श्रेय उनको जाता है। कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि उनके लिए कहने को ज़्यादा कुछ नहीं है, कोहली इतने वर्षों तक हमारे लिए ऐसा किया है, उन्होंने मैच फिनिश करने के लिए खुद का समर्थन किया और आत्मविश्वास जगाया।